नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरुण, आपका ऑनलाइन स्कूल ट्रेनर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आईएसआईएस की नेक्स्ट वीडियो में। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने आईएसआईएस के मैसेजेस के बारे में बताया, तो हम हेलो उसको कवर कर चुके हैं और पीएसएनबी सीएसएनबी बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब जो हमारे पास जो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे एलएसपी के बारे में, यानी लिंक स्टेट पीडीयू। ये आईएसआईएस का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और कह लीजिए कंटेंट के हिसाब से भी अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे हैवी मैसेजेस भी यही है। मींस एलएसपी क्या है? ये वो मैसेज है जिसमें आईएसआईएस अपनी सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। मींस जितने भी राउटर्स की आईएसआईएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके नेटवर्क हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, स्टेटस हैं, लिंक स्टेट्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं उसके पास, जो भी उसके डेटाबेस में कंटेंट है, वो इसे इसके थ्रू अपने नेबर्स के पास फ्लड करता है। यानी पूरी टोपोलॉजी में एलएसपी के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। जस्ट लाइक ओएसपीएफ को अगर आपने पढ़ा हो तो ओएसपीएफ में एलएसयू होता है और एलएसयू के अंदर एलएसएस होता है। ओएसपीएफ में क्या है कि हर नेटवर्क की स्टेट्स के लिए, हर नेटवर्क की सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइप के एलएसएस लिखे हुए हैं। मीन्स एक्सटर्नल राउट्स हैं आपके पास तो उसके लिए अलग एलएसए है, ठीक है। बॉर्डर राउटर्स हैं तो उनके लिए अलग है, राउटर एलएसए है। अगर आपके पास डीआर है तो उसके लिए अलग एलएसए है, ठीक है। तो उसमें 11 तरीके के एलएसए आपने वर्जन 2 में देखे हैं, वर्जन 3 में भी अलग तरीके के एलएसए। यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। आईएसआईएस में एलएसए नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि एक सिंगल एलएसपी के अंदर ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है। मीन्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग एलएसए नहीं चलाते। यहाँ क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे स्टेट्स जो उस राउटर से रिलेटेड हैं, जितने भी आप अपनी आईएसआईएस राउटिंग की जो सर्विसेज हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, चाहे एक्सटर्नल राउट हैं, लेवल 1 लेवल 2, जो भी उसके पास राउटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो एक सिंगल एलएसपी के अंदर ही फीड की जाती है और नेटवर्क में फ्लड की जाती है। ये मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों में। और कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आपके लिए नोटेबल है, जो गौर फरमाने वाली बात है, वो है एलएसपी आईडी। एलएसएस में वहाँ एलएसए आईडी होती है, ओएसपीएफ के अंदर आईएसआईएस में एलएसपी आईडी होती है। अब एलएसपी आईडी क्या है, ये तीन फील्ड से मिलकर बनती है। पहला है सिस्टम आईडी, ठीक है, एक सेकेंड, सिस्टम आईडी, दूसरा है सीडोनोड आईडी, और तीसरा है एलएसपी नंबर। अब ये सिस्टम आईडी क्या है, जो राउटर एलएसपी को जनरेट कर रहा है उसका नाम होता है यहाँ पर। ओएसपीएफ में आरआईडी कहते हैं, यहाँ सिस्टम आईडी कहते हैं। उसके बाद होती है सीडोनोड आईडी। ये सीडोनोड आईडी क्या है, ये पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस का एक कॉन्सेप्ट है। जब आप ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस लगाते हो तो आपने ओएसपीएफ में देखा था कि वहाँ डीआर है, यहाँ पर क्या है, डीआईएस, और डीआर ही पूरी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, यहाँ डीआईएस करता है। तो जो एक एलएस राउटर के डेटाबेस में आपको दो तरीके की एलएसपी दिखाई दे सकती हैं, एक जो डीआईएस ने भेजी होंगी और एक जो नॉन डीआईएस राउटर्स ने भेजी होंगी। तो अगर डीआईएस है, आपका राउटर डीआईएस है, तो यहाँ सीडो नोड आईडी में उस डीआईएस की आईडी पड़ी होगी। और अगर आपका राउटर डीआईएस नहीं है, मतलब डीआर नहीं है, तो यहाँ पर जो आईडी है ये जीरो होगी। तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये जो एलएसपी मैं देख रहा हूँ ये मेरे डीआर ने भेजी हुई है या मेरे लोकल राउटर्स की या नॉन डीआईएस राउटर्स की। तो जो टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है मल्टी एक्सेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो डीआर ही रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा टोपोलॉजिकल ग्राफ बनाने के लिए। तो वो ही सारे कौन से राउटर्स मल्टी एक्सेस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो वो उस एलएसपी के साथ भरकर भेजता है, ठीक है। और जो नॉर्मल राउटर्स हैं वो इसको जीरो कर भेजते हैं। तो जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है एलएसपी नंबर। अब एलएसपी नंबर क्या है, ये सीक्वेंस नंबर नहीं है। ये एलएसपी नंबर क्या है कि अब राउटर क्या है कि एक ही एलएसपी बनाता है, आपका जो राउटर है जिस पर आपने आईएसआईएस कॉन्फ़िगर किया और एक ही एलएसपी वो बना रहा है। लेकिन है क्या, आपका जो डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, वो आपके एमटीयू साइज से ज़्यादा है। मीन्स आपका 1500 बाइट का एमटीयू, यानी कि जो सिस्टम है वो एक बार में 1500 बाइट से ऊपर का पैकेट प्रोसेस नहीं कर सकता। डेटाबेस में आपके पास 1700 1800, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे में आईएसआईएस राउटर क्या करता है, वो उस इन्फॉर्मेशन को दो या तीन पार्ट में अकॉर्डिंग टू द एमटीयू साइज उसको ब्रेक कर लेता है और उन्हें फ्रेगमेंटेशन कर देता है, मतलब फ्रेगमेंट नंबर दे देता है। यह इस एलएसपी का
पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसपी नंबर। तो उनमें लिखा होता है अगर एक सिंगल ही एलएसपी में डेटा आ गया तो कोई बात नहीं है, जीरो ही लग के चला जाता है। और अगर दो या तीन पैकेट के अंदर आप इसको तोड़कर, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन तीन पीसेस में जाएगी, तो वो तो वहाँ पर लिखा होगा पहले जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, एलएसपी आईडी सेम रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, इस नंबर का, एलएसपी नंबर। तो ये फ्रेगमेंट नंबर है, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस नंबर नहीं। सीक्वेंस नंबर क्या, अलग चीज़ है। सीक्वेंस नंबर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल में? वो सीक्वेंस नंबर इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे आपने अभी कोई इन्फॉर्मेशन थी वो भेज दी और आपके टोपोलॉजी में, डेटाबेस में सिंक्रोनाइज हो गए, सारे राउटर्स को पता लग गया। थोड़ी देर बाद आपके पास एक नया राउट ऐड हो गया या आपने अपने कोई चेंजेस कर लिए, आपने कोई टोपोलॉजी चेंज किया, तो अब आप क्या करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन, जो चेंज्ड इन्फॉर्मेशन है, वो अपने डेट बाई नेबर को बताओगे। तो नेबर्स को बताने के लिए वो सीक्वेंसिंग फॉलो की जाती है। सीक्वेंस नंबर क्या है कि ये पहला नंबर था, अब इसके बाद में दूसरा एलएसपी, नया एलएसपी भेज रहा हूँ, यानी नया अपडेट भेज रहा हूँ। तो नया अपडेट दूसरे राउटर्स को कैसे पता लगेगा भैया नया अपडेट है? तो नंबरिंग को मेंटेन किया जाता है। तो पहले को वन, दूसरे को टू, जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो आपके सीक्वेंस नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, जिससे आप राउटर को पता लगता है। एक राउटर को अब एक सेम राउटर से, यानी कि एक ही एलएसपी आईडी के दो सीक्वेंस नंबर मिलते हैं, एक है वन और टू। तो जो हाईएस्ट सीक्वेंस नंबर होगा वो मोस्ट रिसेंट माना जाता है, वो ही सबसे अपडेटेड माना जाता है, तो उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस नंबर का सभी राउटिंग प्रोटोकॉल में, AIGRP हो, SPF हो, ISIO, सब में यही गेम है। यहाँ जो सीक्वेंसिंग यूज होती है इसे लीनियर सीक्वेंसिंग कहते हैं, और 0x00001 से स्टार्ट होकर 0xFFFF तक जाती है। ये यहाँ क्या है कि इसकी लास्ट है, मतलब जब आपका सीक्वेंस नंबर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, जब सारे डिजिट, ये वाले जो 8 डिजिट हैं, ये एफ हो जाएंगे, तो इसका मतलब है अब आपका राउटर नया सीक्वेंस नंबर नहीं बना सकता, तो राउटर की टोपोलॉजी को रीसेट होना पड़ेगा। लेकिन ये जो FFFF हैं, अगर पर सेकंड भी, अगर आप एक हर सेकंड में भी टोपोलॉजी चेंज करके नया LSP बनाकर भेजोगे तो भी 136 साल लगेंगे इसको पूरी भर जाने में। और मुझे नहीं लगता कि भैया 136 साल तक कोई राउटर चलता रहेगा या टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा सीक्वेंस नंबर हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। लेकिन OSPF की अगर मैं बात करता हूँ, इससे कंपेयर करता हूँ, तो OSPF में खास बात है, इसमें तो जैसे यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, OSPF में क्लोज नहीं होगा, वहाँ पर सर्कुलर सीक्वेंसिंग को यूज़ किया गया है। लीनियर और सर्कुलर सीक्वेंसिंग एक होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने सीक्वेंस नंबर रखें, मतलब आप अपने सबसे लास्ट सीक्वेंस नंबर पर पहुँच जाते हो, तो वो उसमें माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन OSPF में इसे ऐसा समझ लीजिए मोटे मोटे शब्दों में कि OSPF में सीक्वेंसिंग नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, उसके पास एक रैपअप का एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली सीक्वेंस नंबर का ये फंडा है। अब इसके बाद आती है एजिंग। भाई एज क्या है, एक सेकेंड, वहाँ पर OSPF में एज है आप देखते हो, यहाँ पर क्या है उसे कहते हैं रिमेनिंग लाइफ टाइम। OSPF में एज बढ़ती है पर सेकंड, इसमें पर सेकंड घटती है। तो ISI इसमें जो एज है वो 1200 सेकंड तक है, 1200 सेकंड और इवन 20 मिनट की इसमें एक LSP के लाइफ टाइम होता है, मींस 20 मिनट तक आपके डेटाबेस में रह सकता है। राउटर जो है, जो ओरिजिनेटर है, जिसने LSP को बनाया है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि भाई ये एज है ना कभी ख़त्म ना हो, और ये डिक्रीज होती है, 1200 से शुरू होती है, 1200 से फिर गिरना शुरू होती है, यह पर सेकंड आपके डेटाबेस में डाउन होती चली जाएगी, और एक समय आएगा जीरो। जीरो का मतलब LSP ख़त्म हो गया, अब इसे आप डेटाबेस में नहीं रख सकते, इसकी लाइफ खत्म हो गई। अब ये लाइफ खत्म ना हो तो ओरिजिनेटर के पास ही इसकी कह लीजिए रिफ्रेश करने की जिम्मेदारी होती है, तो वो हर 15 मिनट के बाद LSP का एक रिफ्रेशर भेजता रहता है, जिससे एज दोबारा से रीसेट होती रहती है। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो ओरिजिनेटर के पास वो इन्फॉर्मेशन जिसके LSP भेज रहे हो, जब तक वो आपके पास है डेटाबेस में, आपके लिए है, वो तब तक उसको रिफ्रेश करता रहेगा। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, आपने नेटवर्क को हटा दिया है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो एज है, आपका जो ओरिजिनेटर है, उस पर ज़ीरो हो जाएगी। जब वो जीरो हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि भाई अपने जो बाकी के डेटाबेस के जो मेंबर हैं, मतलब जो मेरी टोपोलॉजी के मेंबर हैं, उन्हें भी बता दूं कि ये इस LSP का टाइम खत्म हो गया है। तो उसके लिए क्या कहता है, वो उस LSP में से सारे डेटा को डिलीट कर देता है, अपनी जो LSP उसने भेजी थी, जो भेज रखी है उसने, उसमें से सारे डेटाबेस को डिलीट कर देता है इन्फॉर्मेशन को, केवल खाली LSP रह जाती है और नाम रह जाता है, मतलब हेडर रह जाता है, बॉडी उसकी खत्म हो जाती है। उस हेडर को, LSP के हेडर को वो भेज देता है विद द जीरो लाइफ टाइम। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं LSP पर्ज करना, ये होती है पर्जिंग। पर्ज
तो एक पर्ज एलएसपी होती है। इस पर्ज एलएसपी का मतलब क्या है, जो एलएसपी जीरो लाइफ टाइम के साथ आपको रिसीव हो रही है वो पर्ज एलएसपी है, यानी कि ओरिजिनेटर ये कह रहा है कि भाई इस नाम के एलएसपी को डिलीट कर लो अपने डेटाबेस में से, अभी किसी काम की नहीं है। तो ये पर्जिंग का कॉन्सेप्ट है। जो पर्ज करता है राउटर, जो ओरिजिनेटर था जिसने एलएसपी बनाई थी, वो क्या करता है, जीरो करने के बाद पर्ज तो कर देता है, उसके बाद एक टाइमर और है उस पर, उसे कहते हैं जीरो एज लाइफ टाइम। जीरो एज लाइफ टाइम क्या है कि एक मिनट का टाइमर है कि पर्ज करने के बाद भी वो अपने डेटाबेस में एक मिनट तक उस इन्फॉर्मेशन को रखे रखता है। वो ये इंश्योर कर लेता है कि भैया सभी डेटा सभी राउटर्स के पास चली गया। मीन्स अगर कोई रिक्वेस्ट वगैरह आती है इस एक मिनट के अंदर, कोई नया राउटर आया, कोई रिक्वेस्ट आया, तो ये उसको भी रिप्लाई कर सके कि भैया इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास अब नहीं है, तो एक मिनट के लिए भी वो उसमें होल्ड लगा देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, कहते हैं एजिंग का। तो अब यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट और एक है आपका मल्टी एक्सेस। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या है, हर राउटर अपने नेबर की इंफॉर्मेशन को जानते हैं क्योंकि वहाँ कोई मल्टी एक्सेस तो है नहीं। जो मल्टी एक्सेस डिज़ाइन है वहाँ पर जो एलएसपी आपके चलेंगी, तो वहाँ सीडो नोड की जो टोपोलॉजिकल, मतलब जो टोपोलॉजी बनाने वाली, अगर हम बात करें भाई टोपोलॉजी कैसे बनती है, वहाँ टोपोलॉजी अलग बनती है या ये जो टोपोलॉजिकल ग्राफ बनाता है एसआईएस पॉइंट टू पॉइंट में नेबर से ही बना लेता है, लेकिन जो आपका मल्टी एक्सेस डिज़ाइन है तो वहाँ जो आपका डीआर है यानी जो डेजिग्नेटेड राउटर होगा आईएसआईएस के अंदर, उसकी ही जिम्मेदारी होती है भाई पूरे टोपोलॉजिकल ग्राफ को बनाने की। वो कब होगी, जब आगे हम जो अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, जब मैं ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस आपको इसका सिखाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जो एक और बात इसमें मैं अगर कंपेयर करूँ ओएसपीएफ और आईएसआईएस में, तो आईएसआईएस में मुझे बस एक छोटी सी कमी दिखाई देती है कि जैसे अभी क्या है ओएसपीएफ में क्या है, अगर आपका कोई एलएसए चेंज हो गया तो वो केवल उस एलएसए को ही रिफ्रेश कर सकता है। आईएसआईएस में क्या है, अगर कोई भी छोटी सी कोई टीएलबी चेंज हो गई है अगर आपके साथ, तो आईएसआईएस को पूरी एलएसपी को रीजनरेट करना पड़ेगा। मीन्स वो जो अपडेट ये बनाता है उसमें केवल उस छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरे को ही इसे दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पैकेट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ओएसपीएफ में एलएसएस होते हैं तो केवल उस एलएसए को ही फ्लड कर सकता है, आईएसआईएस में क्या है कि एंटायर एलएसपी को ही भेजना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा इनएफिशियंट सा लगता है मुझे, ठीक है। बाकी फीचर वाइज देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और डेटाबेस को देखा जाए तो डेटाबेस का साइज़ भी छोटा रहता है कि ओएसपीएफ में अगर आप देखो तो थाउजेंड्स ऑफ एलएसएस हो सकते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन के। इसमें क्या एक ही एलएसपी सारे काम को कर रही है, तो अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईएसआईएस बेटर नज़र आता है कि भाई इस प्रकार डेटाबेस के साइज छोटे रहेंगे। और ओएसपीएफ में, मतलब ओएसपीएफ में अगर 1200 इन्फॉर्मेशन है किसी पे तो 1200 एंट्रीज होंगी उसमें अलग अलग एलएसएस। यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एक राउटर की एक एलएसपी आ रही होगी, वहाँ एक राउटर पता चल रहा है कि 8-8, 10-10 तरीके के एलएसए भेज रहा है, तो अलग अलग एंट्री बन रही है आपके डेटाबेस में। यहाँ एक एलएसपी होगी, उस एलएसपी के अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये थोड़ा सा आईएसआईएस का फायदा है, डेटाबेस का साइज छोटा होता है, पढ़ने में आसानी है। और एक और बात, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भैया अलग अलग एलएसपी ही बनती हैं, लेवल 1 के लिए अलग, लेवल 2 के लिए अलग। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसमें इतना ही रखते हैं। और सारी जो अब चारों मैसेज तो हो गए आपके, अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इन चारों मैसेज के साथ एडजेसेंसी कैसे बनाएगा, टोपोलॉजी कैसे बनाएगा, राउटिंग कैसे बनाएगा, वो बनाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन में। और नेक्स्ट वीडियो रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, और उससे आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे और आईएसआईएस की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि ये देखने में दिखता कैसे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।